नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है आपके राज्य की तमाम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। खबर शाहजहांपुर से सामने आई है। बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पति अपनी पत्नी के साथ फांसी के फंदे पर लटक गया। जी हां, आपको बता दें दोनों ने एक साथ फांसी लगा ली है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। शाहजहांपुर के थाना कांट के गढ़ी पूर्वी का ये पूरा मामला है, जहां फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चला है। रुकर अगली खबर की ओर। खबर फरुखाबाद से सामने आई है। बता दें कि यूपी के फरुखाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेन रोड पर नाले के ऊपर पड़े दिखे टूटे हुए जाले। जी हां, नाले के जाले टूटे हुए हैं और इस वजह से कई हादसे लगातार होते आए हैं। मामला फरुखाबाद से है, जहां नाले के होल में 11 वर्षीय बच्चा गिर गया। परिजनों ने हंगामा कर दिया। अचानक गिरने से बच्चे के सर में कई चोटें भी आई हैं, गंभीर चोटें भी लगी हैं। परिजनों ने नाले से बच्चे को निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आक्रोशित निवासियों ने रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया। नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। लगातार नारेबाजी के दौरान और लगातार नाले को बंद कराने के लिए नगर निवासी मांग करते नजर आए। मामला ये हुआ कि बच्चा गिर गया, अपने अभिभावक के साथ आ रहा था, स्कूटी से चला गया, बच्चा नीचे चला गया। किसमें चला गया? उसी नाले में। अच्छा। उसका सर फट गया, उसकी चप्पल अभी भी मौजूद है और वो लोग उसको लेके लोहिया चले गए। ये आए दिन की घटना है, यहाँ तो नया काम नहीं है। ये रोज रूटीन की तरह एक बच्चा गिरता है, या गाड़ी गिरती है, या गाय भैंस गिरती है, ये रोज होता तमाशा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई के लिए देख रहे हो, सुनवाई होती हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे होते हैं? त्यौहार का दिन, सब लोग अपने घर में आराम कर रहे होते। तो आज आप लोगों ने जाम लगा दिया? जाम ये लगा कि देखा अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से सामने आई है। बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ से यह खबर सामने आई है, जहां मासूम की हत्या से सनसनी फैल गई। 5 वर्षीय बच्चे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें सनकी युवक ने 5 वर्षीय मासूम बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामूली विवाद से ये हत्या की गई। मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक को चिढ़ाने पर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। जी हां, मात्र उस मासूम बच्ची ने युवक को चिढ़ाया, जिससे युवक काफी आक्रोशित हो गया और उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा है। लालगंज कोतवाली के खड़वा गांव की यह पूरी घटना है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से सामने आई है। यूपी के फिरोजाबाद से ये खबर सामने आई है, जहां गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। 15 बीघा फसल जलकर हुई राख। खेत से होकर जा रहे बिजली के तारों की वजह से उसकी चिंगारी अचानक भड़क गई और चिंगारी से देखते ही देखते आग लग गई। बेकाबू आग पर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने काबू पाया। थाना मक्खनपुरवा गागाई गांव की ये पूरी घटना है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर जमुई से सामने आई है। आपको बता दें बिहार के जमुई से ये खबर सामने आई है, जहां हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घायलों को कारणों का अभी पता नहीं चला है। छाछा बाजार के बस स्टैंड में देर रात एक्सीडेंट से हुई एक युवक की मौत। परिजनों से पूछताछ करने के बाद मृतक का नाम पवन कुमार यादव, पिता गुलेल यादव, साकीन सोहजाना बताया जा रहा है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि हम लोग स्टेशन में पानी बेचते हैं, उसी काम के लिए मेरा भाई साथ में दो लोग रात्रि को तकरीबन 11 बज रहे होंगे इस बीच स्टेशन के लिए निकले थे। बता दें कि दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जानकारी के अनुसार घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया।
रुक करते अगली खबर की ओर। खबर नालंदा से सामने आई है, बिहार के नालंदा से ये खबर सामने आई है, जहां डीजे बजाने के लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। रंगों के त्योहार होली के दिन बिहार में वारदात। जी हां, जिले में होली की रात बदमाशों ने कहर ढाया है। बदमाशों ने दो बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक दिन में दो हत्याओं से खौफ में लोग नजर आए हैं। ताजा मामला नगर नौसा थाना क्षेत्र नगमा गांव से आ रहा है, जहां मामूली सी बात को लेकर युवक की धारदार हथियार से रेत कर हत्या कर दी गई। सिर्फ होली की रात डीजे बजाने को लेकर विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। युवक को रोड व धारदार हथियार से काट कर मौत की घाट उतार दिया गया। घटना से संबंधित जानकारी के अनुसार अगर बता दें कि घटना से संबंध में बताया जा रहा है कि नगमा गांव में देर रात होली को लेकर डीजे पर लोग नाच रहे थे। इसी दौरान रविकांत कुमार का मोबाइल गुम हो गया, जिसके बाद युवक के द्वारा डीजे को बंद करा दिया गया और कहा गया जब तक मेरा मोबाइल नहीं मिल जाता तब तक डीजे बंद रहेगा। इसी डीजे बजाने के विवाद को लेकर कहासुनी हुई और सुबह रविकांत कुमार का शव खून से लथपथ नगमा गांव के पास ही पुलिस ने बरामद किया। परिजनों ने बताया कि मोबाइल गुम हो जाने के बाद ही विवाद हुआ और रविकांत कुमार की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। डीजे बंद कर दिया गया, डीजे वाला अपना डीजे लेकर चला गया घर में। तो मैंने इनका डीजे गांव का ही था। ओ तो इनका मैंने सही था, कोई निशान था क्या? डीजे वाला को पकड़ा जाएगा, क्या निशान था भी है, कहीं चोट भी है? किस तरह से हत्या हुआ इनका? चोट वहाँ पे है, कोई बड़ा धारदारी से मारा हुआ है, तो यहाँ पे हल्का फटा हुआ है, कान के पास फटा हुआ है। तो इनका मोबाइल लहरा गया था? मोबाइल जियो का मोबाइल था, वही हरा। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर रीवा से सामने आई है, मध्य प्रदेश के रीवा से ये खबर सामने आई है, जहाँ होली के दिन व्यापारी युवक की हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, छोड़ा या भाग निकला, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। कल देर शाम रंग होली के दिन युवक को घेर कर डाक लाठी डंडा चाकू से हमला किया गया, युवक की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि युवा व्यापारी अशोक गुप्ता रीवा में रियल एस्टेट के नाम से लगातार कार्य संचालित कर रहा था और अपने पूरे परिवार के साथ रीवा में ही रह रहा था, जो कल होली मनाने के लिए ढेरा गांव मऊगंज थाना गया हुआ था, जिसे पुरानी रंजिश को लेकर 10 लोगों ने घेर कर युवक की बेरहमी से हमला कर हत्या कर दी। पहले युवक को गंभीर हालत में रंजय, आपको बता दें संजय गांधी अस्पताल रात में ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी नवीन शुक्ला और सोनू को पहले पुलिस ने पकड़ा फिर छोड़ दिया था, पुलिस के चंगुल से भाग निकला। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है, वहीं व्यापारियों में काफी आक्रोश नजर आया है। 10 लोगों को मिल के बड़े भाई साहब को हमारी तलवार छुरा डंडे पत्थर इन सब चीजों से मार की है। 10 लोग अपराधियों के साथ ग्राम पंचायत पथरहा सोनू शुक्ला ग्राम ढेरा के रहने वाले अपराधी प्रकृति के और जिला बदल व्यक्ति है। कितने बजे की घटना है? शाम तकरीबन 7-8 बजे की। होली को लेके कुछ लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ, उस विवाद के चलते मारपीट हुई। तो ये मारपीट में जिस तरह की बात आ रही है, करीब 3 बार पुलिस की जानकारी लगी, 3 बार पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। इसके अलावा भी कल मऊगंज थाना क्षेत्र में करीब 35 से 40 के आसपास MLCs हुई हैं, जिसमें मारपीट की घटनाएँ घटी हैं। शराब पी के लोगों ने विवाद किया, विवाद करके लाइन ऑर्डर क्रिएट किया, जिससे पुलिस लगातार उनको विजिट करती रही, घटनास्थल में लोगों को समझाती रही, कार्रवाइयां करती रही। 10 लोगों को। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से सामने आई है, पंजाब के अमृतसर से खबर सामने आई है, जहां गुंडागर्दी का नंगा नाच आया सामने। अकाली दल की सरपंच के परिवार पर हमला किया गया। अमृतसर के रामनगर कॉलोनी में कल देर रात महिला सरपंच अकाली दल के घर पर इलाका निवासियों ने हमला कर दिया। इसका निवासियों ने ईंट पत्थर बरसाए। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मेडिकल करवाया और मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अमृतसर के रामनगर कॉलोनी में प्रवासी सरपंच के घर पर इलाका निवासियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया। घर के बाहर खड़े प्रवासी महिला अकाली दल की सरपंच और उसके परिवार पर इलाके के लोगों ने
खूब ईंट पत्थर बरसाए। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मौके पर अकाली दल की महिला सरपंच के पति कमल का कहना है कि इलाके के ही कुछ लोगों के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते हमला किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दी है। लिहाजा निवासियों के मुताबिक उनके इलाके में छोटे छोटे लड़के बदमाशी करते ही रहते हैं और इस मामले में पुलिस चुप्पी साधे बैठी नजर आई। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड से सामने आई है। बता दें कि उत्तराखंड की बाजपुर से यह खबर सामने आई है, जहां ट्रेन की चपेट में आई महिला मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। थाना केला खेड़ा के अंतर्गत बेरिया हाल्ट ट्रेन की चपेट में आई महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि थाना केला खेड़ा के अंतर्गत बेरिया हाल्ट स्टेशन के नजदीक 28 वर्षीय राधा नाम की युवती निवासी ग्राम बेरिया ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर केलाखेड़ा थाना अध्यक्ष टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवती के पिता मदन सिंह ने बताया कि अभी एक माह पूर्व ही राधा की विवाह हुआ था। तहसील गदरपुर में ग्राम लच्छा भटभुहा निवासी नरेश सिंह के साथ उनका विवाह हुआ था और दोनों पति पत्नी होली का त्योहार मनाने घर आए थे। वहीं मृतका के पति नरेश सिंह का कहना है कि मैं और मेरी पत्नी राधा दोनों ही त्योहार मनाने दो दिन पूर्व ही आए थे। मैं अभी भी आज अपने ससुराल में ही मौजूद था। ग्रामीणों के द्वारा खबर देने पर पता चला कि राधा की ट्रेन में चपेट में आने से मृत्यु हो गई। आपकी बीवी थी? जी। कब हुई थी आपकी शादी? एक महीना हुआ। तो कोई शादी को लेकर अनबन कुछ वगैरह? कुछ नहीं हुआ। कल होली में लेके खुद ही आए थे आप लोग? ना, दो दिन पहले आई मुझसे। अच्छा, आसंग में आए थे आप? ना। अच्छा, दो दिन छोड़ के आया हूँ बाद में। अच्छा, तो आज आपको कैसे सूचना लगी कि आपकी बीवी टेंशन से? किसी ने बताया कि वो तो कोई कट गया, तो मैं खुद आया। दादा बीवी क्या मैटर था? मैटर तो कुछ नहीं था, मेरा दिमाग से कमजोर थी। हाँ, शादी शुदा थी? हाँ, पिछले महीने शादी करी थी। कहाँ से? ये भट्टो से। हाँ, गुलर बोस से आगे। अच्छा अच्छा। हाँ, दबाव वगैरह? ना कुछ नहीं था। आपको कैसे पता लगा कि अब मैं इधर से आ रहा था तो गांव की वो औरतें कह रही थी कि पता नहीं है लड़की कट गई है वहाँ, तो हम देखने चले गए दो चार दिन। जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो ये लड़की थी मेरी। हाँ, इसकी सूचना? सूचना क्या, घर में तो किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, सब घर ही में तो थे हम। तो मुझे पता ही लगा घर वालों को? ना। फिर मैं देख के था वहाँ, फिर मैंने फ़ोन करा लड़के को, मुझे ऐसी ऐसी बात हो गई, फिर लड़का आया। दादा, होल्ड के पास एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई, मौके पर आए हैं फोर्थ के, पूछताछ कर पंचनामे कर रहे हैं, पोस्टमार्टम भेज जाएगी, पता क्या हुआ। वैसे पता चल रहा है कि लड़की पे उनके पिताजी द्वारा बताया गया कुछ ऊपरी चक्कर था, जांच की जा रही है उसकी। कि लड़की पे ऊपरी चक्कर था, इसीलिए मैं होली के दिन अपने पहले होली से पहले अपने दामाद को लड़की को यहाँ ले आया था और आज सुबह 1:30 बजे निकली और एकदम चपेट में आ गई। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से सामने आई है। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार से ये खबर सामने आई है, जहां कोरोना के मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया। हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आगमन हुआ। धर्म नगरी हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आगमन हो चुका है। इसी बीच श्रद्धालु देश के कोने कोने से धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार के क्षेत्र में 32 कोरोना के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग और कुंभ मेला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ऐसे में स्वास्थ्य कुंभ मेला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्जुन सिंह सेंगर ने बताया कि आज ही हमने 100 स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवेदन दिया है, यह कुंभ मेला क्षेत्र में भेजे जाएंगे और हम सभी होटल धर्मशाला के प्रबंधक से निवेदन करते हैं कि
कि जो भी व्यक्ति बाहर से आता है अगर उनमें कोई भी लक्षण दिखते हैं तो उनकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को तुरंत दी जाए और उनको जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग भेजा जाए। जिस तरह से लगातार देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से इसका असर कुंभ मेले पर भी देखने को मिलेगा। पदवाला में आरिपुर कला क्षेत्र में गीता सदन है, इसमें जो श्रद्धालु आए थे उनमें ये टेस्टिंग की गई तो पॉजिटिव आए हैं लोग। पीछे भी इसी केस में ताज होटल में पाए गए थे जो भी यात्री थे सभी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि जितने भी धर्मशाला संचालक हैं या कोई भी ऐसे संस्थान हैं धार्मिक संस्थान, उनके जो प्रबंधक हैं उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके यहाँ जो भी यात्रीगण या तो दर्शन के लिए आते हैं या रुकने के लिए आते हैं या भंडारे या लंगर में खाने के लिए आते हैं तो उनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवा लें, थर्मल स्क्रीनिंग जरूर करें। इस संक्रमण को देखते हुए और कुंभ मेले को देखते हुए यही अपील है और जिला प्रशासन बार बार अपील भी कर रहा है, मेला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन हमारी फर्स्ट डोज है जो इस उसमें आते हैं नॉर्म में उनको लगवा लेनी चाहिए। और जो फ्रंट लाइन वर्कर हमारा कुंभ मेले में जो पहले दिन से ही काम कर रहे हैं उनको लगभग सेकेंड डोज लग चुकी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, बने रहिए ABC4 न्यूज़ के साथ।